तो वो उस पाकिस्तान की मच अवेटेड फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट को रिलीज़ हुए फाइनली 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी का बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि जहां इस मूवी को ईदुलफितर 2019 को रिलीज़ किया जाना था, लेकिन इस मूवी को पोस्टपोन करते हुए फिर कोविड-19 की वजह से इस मूवी को फाइनली 13 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ कर दिया गया पाकिस्तान और टोटल वर्ल्ड वाइड में। दोस्तों आपको बता दें कि ये पाकिस्तान की हाईएस्ट बजट में बनने वाली फिल्म है, जो कि तकरीबन 50 से 55 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई है, जो कि एक्शन थ्रिलर और ड्रामा से भरपूर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है बिलाल लशारी ने, जो कि ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर फिल्में ऑलरेडी पाकिस्तान को दे चुके हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म का रीमेक है ये मूवी 1979 मौला जट मूवी का, और दूसरी फिल्म की स्टार कास्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त की गई है। आपको बता दें कि इस फिल्म में फवाद खान के साथ हमजा अली अब्बासी और हुमैमा मलिक और मायरा खान पाकिस्तान की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हैं, और इस मूवी का बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था। यही वजह है कि इस मूवी को बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है अपने फैंस की तरफ से, और क्रिटिक्स ने भी इस मूवी को बहुत ही ज़बरदस्त रिव्यूज़ दिए हैं। आपको बता दें कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है, और इस मूवी की जो रेटिंग है IMDb पर वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि 9.5 है, जो पाकिस्तान की हाईएस्ट रेटिंग है किसी भी मूवी के लिए। दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी के डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हवाले से। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये मूवी बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन कर चुकी है अपने पहले दिन। अगर बात की जाए इस मूवी के पहले दिन के पाकिस्तान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी ने 1.75 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। दूसरे दिन इस मूवी ने 2.80 करोड़ और तीसरे दिन 3.45 करोड़ और चौथे दिन यानी कि आज के दिन भी इस मूवी का तकरीबन 4 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है इवनिंग ऑक्यूपेसी को देखते हुए, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस मूवी की ओवरसीज़ कलेक्शन की, तो दोस्तों इस मूवी को ओवरसीज से भी बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। आपको बता दें कि इस मूवी को USA में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में, UAE में और ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। तो दोस्तों क्या आप फ़ैन हैं इस मूवी के? आपको बता दें कि इस ये मूवी वर्ल्ड वाइड 3 दिन में तकरीबन 30 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है, और चौथे दिन ये मूवी मज़ीद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करते हुए 50 करोड़ रुपए कलम में भी शामिल होने जा रही है। तो दोस्तों क्या आप फ़ैन हैं फवाद खान के इस मूवी का, कर रहे थे वेयर? तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट में बताइएगा कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या नहीं, और आप इस मूवी के ट्रेलर को 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे। और दोस्तों क्या आपके ख्याल में ये मूवी 200 करोड़ रुपए के कलम में शामिल हो पाएगी या नहीं, कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो दोस्तों हम लाते रहते हैं ऐसे ही मूवीज़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़, तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।